अरे इतनी जल्दी क्या है? आज वैसे भी मेरा पति घर पे नहीं है, तो अंदर चलते हैं आराम से। मुस्कान तुम आ गई? ये कौन है? ये तो मेरे पति की आवाज है, पर ये इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो परसों आने वाला था। मैं जा रहा हूँ। रुक रुक रुक, तुम अभी मत जाओ, हो सकता है उसने देख लिया हो, उसको शक हो जाएगा, फालतू में बात भी कर जाएगी। कुछ प्लान आउट करते हैं, एक मिनट। सरप्राइज। ईशान तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो परसों आने वाले थे ना। हाँ यार, एक्चुअली मेरा काम पे ना मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा घर आके तुम्हें सरप्राइज दे दूं। तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? नहीं नहीं, ऐसा क्यों है? मुझे क्यों नहीं खुशी होगी? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देख के। ये तो अच्छी बात है। वैसे ये लड़का कौन है? ये मैं तो भाई इसका मुंह बोला भाई। मुंह बोला भाई? हाँ, ये मेरा मुंह बोला भाई है। जब तुम यहाँ नहीं रहते ना, तो मैं इसे घर बुला लेती हूँ। अब तुम्हारे बिना मेरे छोटे मोटे कामों में हेल्प कर देता है ये, बस इसीलिए आया था। अच्छा चलो, अच्छी बात है। तुम दोनों बैठो, मैं बस अभी आया। ये लो कॉफी पियो दोनों। ईशान तुम्हें कॉफी बना के लाने की क्या जरूरत थी? तुम तो अभी आए हो ना, मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, पी लो। वैसे भी तुम्हारी ये कॉफी इस घर में आखिरी कॉफी है, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कॉफी तो क्या, पानी भी नसीब नहीं होगा इस घर का। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे कुछ भी बोलोगी और मैं तुम्हारी सारी बातों विश्वास कर लूंगा? बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि ये तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई नहीं, बल्कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। शान ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सच में मेरा भाई है। अरे बस करो तुम, जितना तुमको झूठ बोलना था तुमने बोल लिया। मुझे सब कुछ पहले से पता था। ये घर जितना तुम्हारा है ना, उससे कई ज्यादा मेरा है। मैं काफी टाइम से इस घर में रह रहा हूँ। यहाँ के जो आस पड़ोस के लोग हैं ना, वो तुमसे ज्यादा मेरे अपने हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे पीठ पीछे इस घर में कोई लड़का आता है तो सुबह आता है और शाम को जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा भाई तो होगा नहीं जो दिन भर किसी लड़की के पास या किसी अपनी मुंह बोली बहन के पास बैठा रहेगा। जरूर उसे कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा, तभी यहाँ बैठा होगा। और जब मैं आया था ना, तो मैंने तुम दोनों की बातें नहीं सुन ली थी। तुम क्या कह रही थी कि अच्छा उसे ये पता चल गया कि तुम मेरे मुंह बोले भाई हो, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अबे यार तुमने मेरे को कहां पे फंसा दिया? तुम तो बोली तुम्हारा पति घर पे नहीं है, अब क्या करना है? मुझे क्या पता था ये इतनी जल्दी आ जाएगा। देखो अभी जो भी बोला है ना, उसी पे टिके रहना और इसके सामने यही दिखाना कि तुम मेरे भाई हो। और अच्छी तो बात है ना कि अब ये सोचेगा कि तुम मेरे भाई हो तो तुम कभी भी आ सकते हो घर में। हमारे लिए तो अच्छा ही हो गया। तुम बैठो ना। तुम्हें शर्म नहीं आती? शादीशुदा होने के बाद भी बाहर अफेयर चला रही हो? अरे यार तुम्हारे लिए तो कमाता हूँ मैं, सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम्हें इतना बड़े घर में रखा मैंने, तुम्हारी हर नीड को पूरा किया मैंने, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे धोखा दे रही हो। और तू, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती है एक शादीशुदा औरत के साथ अफेयर चलाते हुए? देखिए सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी वाइफ भी मेरे पास आई थी। अबे तेरे से कुछ भी बोलेगी तो क्या तू सब कुछ करेगा? तेरे को पता नहीं है कि तू एक गलत काम कर रहा है? खैर छोड़ो, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और से बोलेगा क्या मतलब? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। तू पहले तू इस घर से बाहर निकल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? हाँ हाँ, मुझे भी इस लफड़े में नहीं फंसना। देखो मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम हर हफ्ते ऑफिस ट्रिप पे रहते हो, इसलिए बस मुझे अकेला फील होता था, तो मैंने ये कर दिया। लेकिन मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज मुझे लास्ट चांस दे दो। मुझे कुछ नहीं सुनना। और रही बात तुम्हें छोड़ने की, तो तुम्हें छोड़ने से पहले मैं तुम्हारे साथ सारा हिसाब क्लियर करूंगा। इसीलिए मैंने तुम्हारे मॉम डैड को कॉल कर दिया है, वो लोग यहाँ आते होंगे। और जब वो यहाँ आ जाए ना, और अगर तुम उनसे आंखों से आंखें मिला सको, तभी तुम इस घर में रह सकती हो। वरना अपना सामान पैक कर लेना, अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ से निकल जाना, समझी? मेरी बात तो सुनो एक बार।